हाय गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेक्निकल कैसे यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब पेमेंट कब देता है। क्या आपको पता है कि यूट्यूब पेमेंट कब देता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि यूट्यूब द्वारा आपको पेमेंट कब देता है और कितना देता है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, सारे डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, आप सभी को बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी को जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि दोस्तों, YouTube रिलेटेड और टेक एंड टिप्स चैनल गुरु रिलेटेड जो भी वीडियोज होता है आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिल जाएगा। गाइज, आप सभी को बता दें कि एक यूट्यूब कोर्स हमने बनाया है, जिस वीडियो को आप देख के आप यूट्यूब के बारे में सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आप भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि यूट्यूब पेमेंट कब देता है। गाइज, आपको बता दें कि अगर आपके पास एक चैनल है जिस पर आप वीडियो अपलोड करते हैं और आपका चैनल 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट कर जाता है, इसके लिए क्या टर्म कंडीशन है? दोस्तों, जब भी आपका चैनल बनता है तो YouTube का एक टर्म कंडीशन है, जो कि इस पर मेरा एक वीडियो पहले से बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो का आप अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि चैनल बनाया हुआ 1 साल 2 साल 5 साल हो गया, लेकिन अभी तक मोनिटाइजेशन इनेबल नहीं हो रहा है, क्या चैनल मोनिटाइज होगा या नहीं? क्योंकि YouTube का टर्म कंडीशन ये है कि 1 साल के अंदर में आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए। इस पर एक वीडियो कंप्लीट बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर से वॉच कर लीजिएगा। गाइज, आप सभी को बता दें कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करता है आपका चैनल, तब आप मोनिटाइजेशन के लिए रिव्यू में अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद जैसे चैनल रिव्यू में जाता है, चैनल को YouTube के टीम अच्छे से देखते हैं, जब आपका चैनल क्लीन एंड क्लियर रहता है तो आपके चैनल को मोनेटाइजेशन इनेबल कर दिया जाता है। उसके बाद आपके वीडियोज़ पे ऐड आना शुरू होता है, जिससे आपके एडसेंस अकाउंट में कुछ डॉलर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। गाइज, हर महीने के 11 या 12 तारीख के एडसेंस अकाउंट में डॉलर जो भी आपका अर्निंग हुआ रहता है YouTube के वीडियोज़ द्वारा, वो एडसेंस अकाउंट में अपडेट कर दिया जाता है। गाइज, जब भी आपका $10, गाइज अब अपडेट ऐसा आ गया है कि $10 से पहले भी एडसेंस जो है एक्शन बटन दे देता है, जिस पे आप अपने आइडेंटिटी वेरीफाई करवा सकते हैं। आइडेंटिटी वेरीफाई इसलिए करवाया जाता है कि आपके पहचान होना चाहिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका क्या प्रूफ है कि हम आपके जो एडसेंस पे पिन आता है उस पे किस एड्रेस पे भेजें, उसके लिए आइडेंटिटी वेरीफाई करवाना पड़ता है। जब भी आपका आइडेंटिटी वेरीफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके मेल आ जाता है 3 घंटे के अंदर, आप उसको पैन कार्ड, आधार कार्ड छोड़ के बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट होता है उस पर आप अप्लाई कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, आपका एडसेंस जो है आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, एक पिन आता है जिससे आपका एडसेंस वेरीफाई कर दिया जाता है, उस पिन को आने में 10 से 15 दिन लगता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी लगता है, लेकिन वो 20 से 25 दिन के अंदर पहुँच जाएगा आपके एड्रेस पर, जो एड्रेस आप डाले रहेंगे। उसके बाद दोस्तों, हर महीने के 11 या 12 तारीख को जो भी आप अर्निंग किए रहेंगे आपके YouTube द्वारा, आपके एडसेंस में जो भी अपडेट रहेगा, जितना भी डॉलर रहेगा, वो आपको 11 या 12 तारीख को आपको पेमेंट के द्वारा मिल जाता है, आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। गाइज, YouTube द्वारा होता ये है कि जब भी आपके एडसेंस में $100 कंप्लीट रहता है तो ही YouTube आपको पेमेंट करता है। इसके लिए दोस्तों, आपके एडसेंस में $100 हर महीने कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। अगर आप $100 कंप्लीट नहीं करते हैं तो YouTube आपको पेमेंट उस महीने में नहीं देता है, क्योंकि YouTube का एक ये भी पॉलिसी है कि $100 कंप्लीट होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, अगर मान लीजिए जनवरी में आपने $100 कंप्लीट नहीं कर पाया, उसमें आप $50 ही कंप्लीट कर पाए, और फरवरी महीने में आपने $100 कंप्लीट कर लिया, तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि जनवरी में मेरा जो भी अर्निंग हुआ वो अर्निंग फरवरी में ऐड होगा या नहीं होगा, या फिर जनवरी का जो भी अर्निंग हुआ था वो कट हो जाएगा। तो गाइज, ऐसा नहीं है, जो भी आपका अर्निंग हुआ रहेगा जनवरी के मंथ में और फरवरी में आपका जो भी अर्निंग हुआ रहेगा, वो दोनों के ऐड करके आपको मार्च के 11 या 12 तारीख को पेमेंट के द्वारा मिल जाएगा, आपके बैंक में उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि फरवरी महीने में आपके $100 होता है और जनवरी में आपने $50 ही कंप्लीट किया था, तो मार्च के 11 या 12 तारीख को सिर्फ आपको $150 का पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा।
तो यही होता है YouTube का पेमेंट प्रोसेस, और आपको YouTube द्वारा इस तरह से पेमेंट किया जाता है। गाइज, आपसे उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। गाइज, ये डाउट बहुत सारे लोगों को है। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्किल में किसी को जानकारी नहीं है तो इस चैनल के बारे में और ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।